हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये ड्रेस मैंने बनाया हुआ था और अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ था, तो इसकी मैचिंग की पगड़ी बनाना बताऊंगी। ये 4-5 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने बनाया हुआ है और साथ में ये चोली भी बनाया हुआ है और चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसकी मैचिंग की पगड़ी आज मैं बनाना बताऊँगी आपको। तो इस तरह की पगड़ी मैं बनाऊँगी। इसमें कहीं भी मैंने सिलाई मशीन का यूज नहीं किया हुआ है, बस मैंने इसको बुकरम से और हॉट ग्लू से चिपका करके बनाया हुआ है। तो 4-5 नंबर के गोपाल जी के लिए इसको भी मैंने बनाया हुआ है और मेज़र दिया हुआ है। आप बाल के ऊपर से भी इसको पहना सकते हैं, बिना बाल के भी आप पहना सकते हैं। तो इसको बनाना भी बहुत ईजी है और देखने में भी बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये पगड़ी। एक बार वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बन रही है। सबसे पहले हमने एक पेस्टिंग वाली बुकरम को कट किया है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो हम रखे हैं, ये 2.25 इंच इसकी चौड़ाई हमने रखी है और इसकी जो लंबाई हमने रखी है 5.5 इंच इसकी हमने लंबाई रखी हुई है। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद में इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसको हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। इस तरह से हम तिरछा मार्क लगाएंगे, ये देखिए। और इसी तरह से इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको हमने कट करके रेडी कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब हमें इसे क्या करना है कि इस पर जिस भी आप क्लोथ से बना रहे हैं उस कपड़े को आप इस पर प्रेस करेंगे, चिपकाएंगे। तो इस पर चिपकाने के लिए इस तरह से हमने ये कपड़ा लिया है ड्रेस के मैचिंग का, ये वाला कपड़ा इस पर इस तरह से रख के हम इस पर प्रेस करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो कपड़ा है, इस कपड़ा के बीचों बीच हमें इस बुकरम को रखना है। रखने के बाद इस पर हमें प्रेस लगाना है। तो चलिए पहले आयरन कर लेते हैं, इसके बाद में फिर हम आपको आगे बताएंगे। इस तरह से इस पर मैंने प्रेस लगा दिया है, ये देखिए हमारा चिपक गया है एक साइड से कपड़ा। अब हमें क्या करना है कि इसको कट करना है। इस तरह से इसको पहले हम थोड़ा सा छोड़ के इसको कट करेंगे ताकि इस तरह से इसको हम फोल्ड करके फिर हम प्रेस लगा सकें। और फिर यहाँ से हम कट करेंगे। इसको यहाँ से इस तरह से हम करेंगे और इसको यहाँ से करेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे। तो इस साइड में भी हमारा चिकना वाला साइड है जहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा चिपक जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम प्रेस कर लेते हैं, करने के बाद में फिर आपको रेडी करके दिखा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी आपको याद करना है कि जो ये हमारा फोल्डेड साइड है तो ये जो पीस को हम कट किए हैं इसको इस तरह से भी इसमें हम डाल करके और इसको इस तरह से हम प्रेस लगा सकते हैं, ये देखिए। इसको इस तरह से भी हम प्रेस लगा सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप प्रेस लगाएंगे। इस तरह से हमने प्रेस करके इसको चिपका दिया है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। अब यहाँ पर आप प्रेस करके नहीं चिपका सकते हैं, इसलिए आप इसको हॉट ग्लू से यहाँ पर चिपकाएंगे। तो चलिए पहले इसको हम चिपका लेते हैं, चिपकाने के बाद में फिर नेक्स्ट में बताएंगे। इस पर हमने इसको हॉट ग्लू से चिपका करके हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इस पर हमें लेस लगाना है। तो आप अपने पसंद से जैसे भी लेस लगा करके डेकोरेट करना चाहते हैं उस डिजाइन से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके तब आपको दिखा रही हूँ कि करने के बाद हमारा कैसा डेकोरेटिंग लग रहा है। इस तरह से हमने इस पर चिपका करके इसको कंप्लीट कर दिया है। तो इसको हमने कैसे चिपकाया है, तो एक लाइन स्टार्टिंग में यहाँ से लेकर के यहाँ तक चिपकाया है, फिर दूसरी लाइन यहाँ से निकाल करके यहाँ तक चिपकाया है, फिर तीसरी लाइन हमने ये सीधा से चिपकाया है और फिर इसी में से निकाल करके ये देखिए हमारा ये पीछे में लगा हुआ है, ये साइड में देखिए आपको दिख रहा है। यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया है और इसी तरह से हमने इधर भी
तीन लाइन चिपका कर इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, और फिर से हम पेस्टिंग वाली बुकरम लेंगे और इसकी लंबाई चौड़ाई जो हमने रखी है ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई हमने ली है लगभग 8.5 इंच है। इस पर फिर इसी में का कपड़ा को हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद में फिर आपको बताएंगे। इस तरह से हमने इस कपड़े को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर एक किनारी को मोड़ लेंगे, थोड़ा सा इस साइड से भी इस किनारी को इस तरह से फोल्ड करके ग्लू से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद में इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो पहले चिपका लेते हैं, इसके बाद में बताएंगे। दोनों साइड में हमने इसको चिपका दिया है। चिपकाने के बाद में इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इसको हम कलंगी बनाएंगे इसका, इस तरह से। ये हमारी जो कलंगी है कड़क ही रह जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से बन जाएगी। इसके पहले हमें क्या करना है कि अगर आप इस पर चाहते हैं कोई लेस वगैरह तो उसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये गोल्डन जो लेस है इसको एक लाइन हम यहाँ पर चिपका देंगे। तो चलिए पहले इसको चिपका करके इसी तरह से कलंगी बना लेते हैं। बना करके रेडी करके फिर आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हमने लेस चिपका करके इसको बना करके कंप्लीट किया है। इसके बाद इस पर हम गोंद लगा करके इसको यहाँ पर हम इस तरह से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में इसको इस तरह से हम छोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम करके फिर आपको बता रहे हैं। इस तरह से हमने इसको चिपका करके कंप्लीट कर दिया। ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है। जहाँ तक ये हमारा फ्रंट से और ये साइड से हमारा दिख रहा है वहाँ तक हमने लेस लगाया है। पीछे में यहाँ पर हमने जहाँ पर इसको चिपकाया था वहाँ पे हमने बस छोड़ दिया है। तो बाकी ये हमारा कैप बन करके कंप्लीट है। ये 4-5 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने कैप भी बनाई है। इसको बाल के ऊपर से भी आप पहना सकते हैं, बिना बाल के भी पहना सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।